बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन मस्ती गेट के अंदर। ये सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे और ये आपको सैर भी करवाएंगे पुलिस स्टेशन मस्ती गेट की। क्या पुलिस स्टेशन मस्ती गेट किस तरह से आवाम की दादरशी कर रहा है और कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं यहाँ पर मुहैया की जा रही हैं, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पर भरमार है इस पुलिस स्टेशन की। पहले परसेप्शन ये थी कि पुलिस वाले किसी की बात नहीं सुनते, अब परसेप्शन टोटली चेंज हो गई है। इवन हमने ये देखा कि ये इट्स लाइक अ टूरिस्ट प्लेस बन गई है। फॉरनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर्स यहाँ पर आ रहे हैं और हम भी इसको एक्सप्लोर करने आए हैं। और हमें ये विज़िट करवाइए कि आपका ये थाना कैसा है और लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। आपको पहले थाने का विजिट करवाते हैं, बाकी बातें बाद में। अच्छा चलें जी, आए जी। इस वक्त हम पुलिस स्टेशन मस्ती गेट के मेन कॉरिडोर के अंदर खड़े हैं। ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी 5 to 7 स्टार होटल के अंदर मौजूद हूँ। पहली परसेप्शन ये थी कि जो पुलिस के जो थाना जात हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं, वो घोस्ट स्टेशन लगते थे। टूटी फूटी बिल्डिंग्स थी, खस्ता हाल इमारतें थीं और अंदर SHO साहब मिलते नहीं थे, पुलिस वाला मिलता नहीं था और जानवर बंदे भी मिलते थे। लेकिन अब सिनेरियो मुख्तलिफ हो चुका है। अब जब मस्ती गेट पुलिस स्टेशन के अंदर आप आएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। SHO असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये पुलिस स्टेशन है, ये शाहकार मंसूबा जो आपने बनाया है, स्टेट ऑफ द आर्ट, इस पर कितनी लागत आई है और इसको बनाने का मकसद क्या था? ये इस पर तकरीबन 30 लाख लागत आई है। ये 30 लाख रुपये कहाँ से आया पुलिस? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंड किया है। IG साहब और CM साहब का जो स्पेशल मिशन था थानों को सिप्स में कन्वर्ट करना, और मकसद एक ही है कि आवाम और पुलिस का जो गैप पड़ रहा था उस गैप को दूर करना है। ठीक है। जब आवाम पहले थानों में आती थी तो थाने में वो सहूलियात नहीं थी, परेशानी की हालत में आती थी और परेशानी की हालत में वापस चले। ठीक है। अब उनके लिए इस थाने को एक घर जैसा माहौल दिया गया है ताकि लोग आए, अपनी तकलीफ बताएं, हम उनको फौरी उनकी तकलीफ को दूर करें और उनको थाने में बैठने का एक अच्छा माहौल मिले। सर ये कहिएगा, आपने एक टर्म इस्तेमाल किया सिप्स, इसका मतलब क्या है? थानों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। अच्छा। एक हिस्सा जो सिप्स है वो सिर्फ आवाम के लिए है। ठीक है। कि आवाम ने आना है, आवाम ने बैठना क्या है, आवाम ने अपनी तकलीफ किस कमरे में जाके बतानी है। SHO का रूम है और फ्रंट डेस्क का रूम है, वेटिंग रूम है और इंक्वायरी ऑफिसर कमरा है। और दूसरा बैक एंड, बैक एंड हमारा स्टेशन का वो हिस्सा है पुलिस स्टेशन का जहाँ हमारे पुलिस वर्क बैठ के हम उस वर्क करते हैं, जिसमें मर्डर आ गया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग आ गया या जिसमें हमारे बाकी ऑपरेशन विंग के IOs हैं, वो बैठ के पुलिस वर्क को काम करते हैं। असलम साहब मुझे ये बताइए, ये मशीनें जो हैं ये तो बड़े बड़े बैंक्स के अंदर पड़ी होती हैं, यहाँ से टोकन लेते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर इस क्यूमेटिक मशीन का क्या मकसद है, ये क्या करती है? इसका मकसद सिर्फ एक ही है, ममूदो अयाज वाला, एक ही सब में खड़े ममूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, इस फारसी कल्चर खत्म हो गया। मोबाइल नंबर डायल करें जरा। सर मैं खुद ही डायल कर लूं? खुद ही डायल करें। सर आप मुझे मुतफर्रक मैंने कर दिया। ये आपका टोकन, अब ये टोकन नंबर आ क्या है? क्यूमेटिक मशीन से 007 मेरा नंबर निकला है और अब हम सर्विसेज हासिल करने के लिए फ्रंट डेस्क पे चलते हैं। सर हमें फ्रंट डेस्क दिखाइए, फ्रंट डेस्क पे किस किस्म की सर्विसेज हैं ये भी हमें बताइएगा। असलम साहब मुझे ये बताइए, ये मैंने 007 टोकन लिया था और हम इस वक्त फ्रंट डेस्क में मौजूद हैं, फ्रंट डेस्क क्या काम करता है? और अब तो ये भी सुनने में आया कि पुलिस स्टेशन के जो जितने भी थाना जात हैं वो PKM पुलिस खिदमत मरकज पे भी कन्वर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे किस किस्म की सर्विसेज मिल सकती हैं? बिल्कुल, ये सारी जो खिदमत मरकज में सर्विस अभी ड्राइविंग लाइसेंस की वो सारी अब पुलिस स्टेशन में भी मिल रही हैं। बेसिकली थाने में अभी जिस तरह आपने एप्लीकेशन लिखी है, आपका मोबाइल चोरी हो गया है, ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन आप ये इस भाई को देंगे ना, ठीक है, तो ये आपको एक
परमानेंट रिसीविंग रसीद देगा, ठीक है, कि आपकी जो कंप्लेन थी वो इनरोल हो गई है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम फर्दर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर ये मेरी कंप्लेन है, इसको देखिएगा जी, ठीक है। सर्विस डिलीवरी की हमेशा बात होती रही है, कहते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं वो ट्रक खा देते हैं, अंदर मिलते नहीं हैं, तो अब जो मेरी एप्लीकेशन है वो कितनी देर में प्रोसीड हो सकती है? आई जी साहब ने ना काफ़ी सारी चीज़ें अब टाइम लिमिट कर दी हैं, ठीक है। अगर आपका भी जिस तरह आपने मोबाइल चोरी की एप्लीकेशन दी है तो ये विदन 15 मिनट के अंदर FIR हो जाएगी आपकी, ठीक है। सर ये वेटिंग रूम है आपका? जी बिल्कुल वेटिंग रूम है। सर ये जितना लग्जरियस है, ये जितना कंफर्टेबल ये सोफा है, ऐसे सोफे तो एग्जीक्यूटिव रूम्स में पड़े होते हैं और आपने ये जनरल पब्लिक के लिए रख दिए? असल में यही हमारा एक कल्चर था ना कि यहाँ VVIP को हर जगह पे सपोर्ट किया जाता है, आम आवाम को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो जब हम बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तर में और बड़े बड़े अफसरान के दफ्तर में जाते थे तो वहाँ हमें ऐसे सोफे देखने को मिलते थे, ठीक है। तो IG साहब ने कहा कि नहीं, हम आवाम में से हैं, आवाम की वजह से हैं, तो इसलिए ये आम आवाम के लिए अब हमने वेटिंग रूम लग्जरी बनाया है। आइए अब आप मस्जिद छोटी सी हमने बनाई है वो दिखाते हैं। सर नॉर्मली ये होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर मस्जिद हमें नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपने मस्जिद भी बना रखी है। सर ये कहिएगा, मैं देख सकता हूँ कि मस्जिद बहुत खूबसूरत है और जो शनले है, जो नक्शोनिगार का काम यहाँ पर हुआ है, लग रहा है कि बड़ी मोहब्बत से आपने बनाई है। बिल्कुल, अल्लाह का घर तो मोहब्बत से बनाना चाहिए। यहाँ पे कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? ये एक टाइम में कुछ 15 के लगभग लोग नमाज पढ़ सकते हैं, चूँकि हमारा इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन का अमला कुछ 80 के लगभग है, ठीक है। तो गाय बगाए फिर हम यहाँ मस्जिद नहीं थी पहले थाने में, तो ये जगह हमें मुझे नज़र आई कि यहाँ हम मस्जिद बना सकते हैं, ठीक है, तो ये फिर मैंने मस्जिद बनाई। नाज़िम, मेन कॉरिडोर के अंदर एक इंतहाई खूबसूरती के साथ एक वॉल जो है तरतीब दी गई है। असलम साहब मुझे ये बताइएगा, हम देख सकते हैं इस पे कैप्टन मुबीन शहीद साहब हैं, SSP जहाद गोंदल साहब और दीगर जो पुलिस शहदा हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, इसका क्या मकसद है वॉल ऑफ ऑनर का? बेसिकली ये हमारे वो शहदा हैं जो अवाम कौम की हिफाजत करते हुए जम शहादत नोश किया है, और इसलिए अपने शहदा के लिए ये वॉल ऑफ ऑनर बनाई गई है, ठीक है। नाज़िम जब पूरी कौम सो रही होती है उस वक्त पुलिस के ये जवान जो हैं वो जाग रहे होते हैं और कौम की हिफाजत कर रहे होते हैं। वॉल ऑफ ऑनर के साथ ही जो हेरिटेज गैलरी है वो भी बनाई गई है। सर मैं देख सकता हूँ एक जानी वॉल ऑफ ऑनर है, फिर हेरिटेज गैलरी बनाई गई है, इतनी सारी चीज़ें छोटी सी जगह पे आपने समो के रख दी हैं, इसका क्या मकसद है? बेसिकली ये सारे थानों को थीम्स दिए गए हैं, ये मुख्तलिफ थीम्स पे बने हैं, तो चूंकि मस्ती जो है ये अंदरून का थाना है और ये मस्ती के हदूद में है, ये एक तो ये हिस्ट्री ऑफ मस्ती गेट लिखी हुई है, मस्ती बलोच था उस बादशाह का बड़ा करीबी जो इसी मस्ती गेट पे बैठा रहता था, तो ये सारी चीजें गुरुद्वारा गुरु राम, कश्मीरी गेट और ये मड़ी रजीत सिंह और ये शाही किला, ये सारी मस्ती की हदूद में है, दो चीजें मस्ती को अटैच करते हैं, इसीलिए ये हेरिटेज गैलरी बनाई। पुलिस स्टेशन मस्ती गेट की नाज़िम हमने आज आपको सैर करवाई है, यकीनन आपको पसंद आया होगा, इंतहाई खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है, लग भी रहा है, नज़र भी आ रहा है, मकसद इसका ये था कि आवाम और जो पुलिस का जो ताल्लुक है वो मजबूत हो, तो अब ये आवाम पे मुनहसर है, ये पुलिस भी आपकी है, ये थाना भी आपका है, इसके सारे दरवाजे जो हैं वो 24/7 आवाम के लिए खुले हुए हैं। सर अगर कोई पैगाम आप अपनी आवाम को देना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। मेरा अपनी आवाम, अपनी बहन बेटियों भाइयों से ये गुजारिश है कि वो बिल्कुल थाने में आने से ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस ना करें, ये थाना उनका अपना घर है, या खुले दिल से आएँ, अपनी कंप्लेन नोट करवाएँ, इंशाल्लाह उनको विदन नो टाइम रिस्पॉन्स दिया जाएगा और उनकी तकलीफ का फौरी अजाला किया जाएगा। तो मस्ती गेट का हमने नाज़िन आपको विजिट करवाया है, आप हमें अपनी कीमती आरा से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।